हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक? बड़े अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपके घर में भी सब ठीक होंगे। वेलकम अगेन टू दिस न्यू ब्रांड व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, आपने ऑलरेडी देखा। मैंने एक्चुअली लिफ्ट ले ली थी, तो अभी मैं रेलवे स्टेशन के पास हूँ, बड़गाम रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ मुझे जाना है पुफी के घर। तो अभी मैं चल रहा हूँ। एक्चुअली आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली आज विलादत है अली अब नबी तालिब अलैहि सलाम है, तो मुझे फातिहा पढ़ने के लिए जाना है। तो मुझे यहाँ तुफी के कब्र पे जाना है, तो पहले मैं फातिहा पढ़ता हूँ। तो चलिए अभी चलते रहे, फिर आपसे आगे बातें होती रहे। दोस्तों, अभी मैं पुफी के घर आया हूँ, तो ये मेरे दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। हेलो करो। हेलो गाइस। हेलो। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने अभी ये केले लिए, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा इसके बारे में, मैंने केले क्यों लिए। और वो है हमारे दादा दादी की कब्र और परदादा दादी की कब्र। तो हम क्या करेंगे, ये है कुछ कैंडल्स भी है, तो जलाना है इनको, जलाएंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं। तो ये जो मैंने केले लिए थे, ये हम लाइक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे गुजर गए हैं उनके लिए। दैट्स ऑल। वन आवर लेटर। तो दोस्तों, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं इमामबाड़े जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा मैं नमाज वहीं पढ़ूँ, क्योंकि आज मौलाना अली अलैहि सलाम का बर्थ एनिवर्सरी है। तो बहुत खुशी का माहौल है, हर जगह से कैंडल्स लगाए गए हैं। तो मैं इमामबाड़े पहुंचता हूं, मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूं। मैं पहले आपको वहां पे दिखाता हूं वहां का व्यू कैसा है। दोस्तों, अभी 8:10 बजे हैं शाम के। तो मैं फातिहा पढ़ के पुफी कब्र से तो थोड़ा लेट हो गया वहाँ पे। फिर मैंने इमामबाड़े जाके नमाज भी पढ़ी, आपने ऑलरेडी वो उसके कुछ शॉर्ट्स भी देख लिए। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ घर पे, ही अपना घर ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे अभी जमाना उन्होंने एक मुनक्कद की एक महफिल, क्योंकि मौला अली अलैहि सलाम का आज विलादत का दिन है, तो मुझे भी इन्विटेशन मिला था, तो मैं भी आ गया यहाँ पे अभी। तो हमने अभी चाय पी, यहाँ अभी स्टार्ट होने वाला है, मनकबत होंगी, तारीफ़ी होगी अली अलैहिस्सलाम की, तो उनके रिलेटेड बहुत सा लाइक बहुत कुछ उनके बारे में होगा। तो ये एक तरह का जश्न होगा, तो अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस कुछ आपको दिखाऊंगा जल्द के इसकी, तो आप बने रहे। يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا A few minutes later मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।
तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। तो इनके बाद हाशिम भाई ने पढ़ा, बोलाइयो गदीर का रास्ता न छोड़ना, भोसे अली की आग से जलते है जिनके दिल, भोसे अली की आग से जलते है जिनके दिल, भोसे अली की आग से जलते है जिनके दिल, भोसे अली की आग से जलते हैं जिनके दिल, जिक्रे अली से उनको जलाना न छोड़ना, लाइयो गदीर का रास्ता। A few moments later. है मौला वही शाबाज है मौला, से पर्दा मोहम्मद से सरे मेराज जो बोला, सरे मेराज जो बोला, हमें लहजे से लगता है तेरी आवाज है मौला, तेरे किबरिया हैदर हैदर, गुरूरे किबरिया हैदर, पुकारा नहीं उसका दुनिया में कोई सहारा नहीं, से मोलाली को पुकारा, जिसने मोलाली को पुकारा नहीं, जिसने मोलाली को पुकारा नहीं, तो दोस्तों इसके बाद लगभग 10:30 थे, तो लेट भी हो रहा, तो फिर इन्होंने कुछ इंतज़ाम किया था वहाँ पे कांति का, फिर उसकी टर्न है। A few minutes later. अभी बजे है रात के 11, तो हाय तो अभी 11 है, तो ये कांति खा के लाइक सब कुछ हो गया, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। तो अब इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का दी एंड। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड अस्सलाम वालेकुम।